हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन द चैनल सर्वम इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित गहलोत एंड वी आर लर्निंग केमिस्ट्री। ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वन टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेट वॉज एन इंडक्टिव इफेक्ट वी हैव कवर्ड। टूडे वी आर स्टार्टिंग रेजोनेंस। मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट से पहले रेजोनेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेजोनेंस का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। ओजोन के एनालिसिस से पहले ऐसा माना जाता था कि तीनों ऑक्सीजन एक केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे दो ऑक्सीजन जुड़े होंगे, जो एक जिसमें एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और एक किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड की लंबाई थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी और डबल बॉन्ड की लंबाई थोड़ी कम। लेकिन जब ओजोन का एनालिसिस किया तो हमने देखा ना तो किसी तो ओजोन में किसी सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है ना ही किसी डबल बॉन्ड की लंबाई कम है। उन दोनों बॉन्ड की लंबाई क्या थी, इक्वल थी। क्या थी, इक्वल थी। और ऐसा किस रीजन की वजह से हुआ, वो हुआ रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजीन, C6H6 बेंजीन। बेंजीन आप स्क्रीन पे ये दो स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये स्ट्रक्चर्स दी किसने दी, केकुले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और कब दी थी, 1930 में दी थी। वो बेंजीन लैब में फर्स्ट टाइम कब मिला था, 1780 में मिला था। मतलब केकुले की इस स्ट्रक्चर और बेंजीन के मिलने में कितने ईयर का डिफरेंस है, 150 ईयर्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी वो हम बना ही नहीं पा रहे थे और जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे थे वो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रही थी। जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए बेंजीन की बहुत सारी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स थी, जो कि कितनी थी, 400 प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब बेंजीन की प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स ही 400 प्लस थी। ऐसा नहीं है कि बेंजीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, बेंजीन इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद कर मार्केट से अपने घर में भी ला सकते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन था क्यों, ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए था क्योंकि पहले क्या था, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को जानते नहीं थे। जब केकुले नाम के साइंटिस्ट ने, आपने सुना होगा कि केकुले नाम के साइंटिस्ट को एक सपना आया कि एक सांप है जो कि अपनी पूंछ को पकड़े हुए, उसके बाद केकुले ने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की जो कि इस तरह से है। और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। केकुले से अलग भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट की थी, जैसे डिवार्ड ने कुछ इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर्स बेंजीन के लिए प्रेजेंट की थी। इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट की। क्लोज ने कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दी, डिवार्ड ने जो स्ट्रक्चर्स दी हैं वो आप पढ़ ही चुके हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स दी हैं, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया कि बेंजीन क्या है, अपने सेंटर की तरफ क्या है, ये सारे बॉन्ड क्या कर रहे हैं, बैनिस कर रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया बेंजीन के सारे बॉन्ड क्या हैं, वो सेंटर की तरफ बैनिस कर रहे हैं। ये आर्मस्ट्रॉन्ग मून वाले नहीं है, ये अलग आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। उस टाइम पे थील की थिंकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस थी, उन्होंने बताया कि बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स हैं ये क्या है, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक जगह रुके हुए नहीं हैं, वो क्या हो रहे हैं, रेगुलरली रोटेट हो रहे हैं कुछ इस तरह से। लास्ट में यही हमारा रियल हाइब्रिड मिला, रियल स्ट्रक्चर मिली। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन की, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, हमारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये क्या, हमारी सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 1.4 एंगस्ट्रोम होती है। साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1.33 एंगस्ट्रोम। लेकिन बेंजीन के कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 1.39
आर्म स्ट्रॉन्ग, ना तो वो सिंगल बोन की लेंथ के जितनी थी, ना ही वो डबल बोन के लेंथ के जितनी थी, वो क्या थी, वो बीच में कुछ थी। साथ साथ एक बोन रोडर होता है। बोन रोडर क्या होता है, नंबर ऑफ बोन्स नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एंटी बोन्स डिवाइडेड बाई टू। तो बेंजीन में क्या था, बेंजीन का जो बोन रोडर था वो कितना था, 1.5। ना तो वो सिंगल बोन के बराबर था, ना ही वो बोन जितना था, ना ही वो एंटी बोन जितना था, वो क्या था, 1.5। इस सब का कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितनी भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं केवल वही हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को शो कर रही हैं, जो रियल स्ट्रक्चर्स हैं उसका तो कहीं यूज़ ही नहीं है। और इसका सबका रीज़न क्या है, क्योंकि मोबाइल बोन की थ्योरी कोई हमारे पास है ही नहीं। बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ अवर थ्योरी, बिकॉज वी कैन नॉट शो द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एनी बोन विच डीलोकलाइज वी कंपाइल द स्ट्रक्चर विच आर इमेजनरी, बिकॉज वी आर हैविंग स्टैटिक बोन्स। इस सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितनी भी हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म शो हो रही हैं वो केवल हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो रही है, और जो हमारी रियल स्ट्रक्चर है वो तो हमारे किसी यूज़ भी नहीं आ रही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मोबाइल बोन की कोई थ्योरी हमारे पास है ही नहीं। बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ अवर थ्योरी, बिकॉज वी वांट टू शो द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फॉर एनी बोन विच डीलोकलाइज वी कंपाइल द स्ट्रक्चर विच आर इमेजनरी, बिकॉज वी आर हैविंग स्टैटिक बोन्स। बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ अवर थ्योरी वी नो दी स्ट्रक्चर आर इमेजनरी बट वी वांट टू शो द मैकेनिज्म। इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटाडाइन। एग्जाम्पल को पूरा करने से पहले बता देता हूँ कि डबल बोन को हम किस तरह से तोड़ते हैं। ये हमारा कार्बन कार्बन के बीच डबल बोन है, और इसको हम तोड़ेंगे HBr से, H पॉजिटिव Br निगेटिव, कुछ इस तरह से होता है। क्या होगा कि बोन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा जब भी HBr इस पर अटैक करेगा तो ये क्या होगा कि कुछ इस तरह से बोन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और रिएक्शन क्या आएगी हमारी, कुछ इस तरह से। तो जब भी हम बहुत कम क्वांटिटी वाले HBr से इसकी रिएक्शन कराते हैं, HBr से रिएक्शन कराते हैं, कितने से कराते हैं, पन इक्विवेलेंट से करा देते हैं, तो किस तरह से टूटेगा, H पॉजिटिव एंड Br निगेटिव। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये H, ये Br, यानी कि मतलब 1:2 एडिशन। बट वेरी सरप्राइजली प्रोडक्ट क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट आता है हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट आता है हमारा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है, मेजर प्रोडक्ट आता है। ऐसा किस वजह से हुआ होगा, ये बोन इधर शिफ्ट हुआ होगा और ये बोन इधर शिफ्ट हुआ होगा, तो इस पर क्या आया होगा, तो इस कार्बन पे क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। डबल बोन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये है ब्यूटाडाइन का। तो इसका रियल हाइब्रिड क्या होगा, इसका रियल हाइब्रिड होगा ये होगा, मतलब इसका जो डबल बोन्ड है वो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बनता है, जो ब्यूटाडाइन का सिंगल बोन्ड है वो नॉर्मल बोन्ड से छोटा क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आगे पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर देता हूँ, ये मॉलिक्यूल
सोन भाई। टू ए मोलिक्यूल कैन सोन बाई टू और मोर स्ट्रक्चर्स विच आल आर इमेजनरी स्ट्रक्चर्स एंड रियल स्ट्रक्चर आइदर कैन नॉट बी सोन और नॉट यूजफुल दैन द फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो रियल हाइब्रिड होते हैं इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर विथ लोअर एनर्जी हाइएस्ट स्टेबिलिटी। ये अपना नारा है, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होगा, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और उसकी उतनी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। द आर एस विच कंट्रीब्यूट मोर इज मेजर कंट्रीब्यूटर विद लेस एनर्जी एंड द मोस्ट स्टेबिलिटी। जितनी कम आर एस स्ट्रक्चर होंगी उतना कंट्रीब्यूट कम करेगा और क्या कहलाएगा, माइनर कंट्रीब्यूटर विद मोर एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी। द रियल हाइब्रिड इज मोर आर एस इज मोर स्टेबल, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक केस है, बिल्कुल अलग केस है, अगर किसी स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा। कुछ केसेस आपके सामने आएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के कि जिनकी स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करेंगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्पेशली वेरी हाई स्टेबिलिटी होगी। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, एग्जांपल्स से पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन समझते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज नोन एज रेजोनेंस। द डीलोक डेफिनेशन समझते हैं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज नोन एज रेजोनेंस, यानी कि पैरेलल पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इधर उधर चलना फिरना क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। स्टूडेंट्स एक बात नोट करके लिखेंगे कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें केवल क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे, या तो पाई बॉन्ड की फॉर्म में होंगे, लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होंगी। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं अपना फेवरेट CS2 CH CH CS2, क्या है ये, ब्यूटाडाइन। इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम होगा इसका बॉन्ड किस तरह से है, इस तरह से। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले बना लेते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं।
तो होता क्या है, ये बोन क्या हो जाता है, ये बोन क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये बोन क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इस बोन के इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये बोन इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये डबल बोन इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होते हैं। एक बार और समझते हैं, ये बोन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये डबल बोन इधर शिफ्ट हो जाता है जो कि ऐसे दिखाया है, और इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह से आपके पैरेलल पी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, और यही क्या है, रेजोनेंस है। आइए देखते हैं रेजोनेंस होता कहाँ कहाँ है। तो अपना क्वेश्चन बनता है व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेसेस, तो हमारा आंसर है इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस किस तरह के हो सकते हैं। जब पाई बोन कॉन्जुगेटेड होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, जब पाई बोन कॉन्जुगेटेड होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, जब पाई कॉन्जुगेटेड होगा लोन पेयर के साथ, जब कॉन्जुगेटेड होगा फिर रेडिकल के साथ, जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होगा डबल बॉन्ड के साथ, जब लोन पेयर कॉन्जुगेटेड हो पॉजिटिव चार्ज के साथ, जब नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड हो वैकेंट डी एडजेसेंट के साथ। तो ठीक है, एक एक करके इन सब आंसर्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो पहले लेते हैं ए है व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट पी, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो वैकेंट कहाँ पे होंगे, कार्बोकैटायंस के साथ और एलिमेंट बोरोन के साथ, इसमें क्या होते हैं, वैकेंट पी होते हैं। ये वैकेंट पी के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और ये जुड़ा हुआ है CH2 पॉजिटिव चार्ज से, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड CH2। ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये क्या है, इधर अपना, ये क्या है इधर अपना वैकेंट पी, और ये इधर अपना वैकेंट पी। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और हम ऐसा पढ़ चुके हैं जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसका रियल हाइब्रिड किस तरह से होगा,
यह हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा इस तरह से, इस पे सब डबल बॉन्ड क्या होगा, सभी कार्बन्स पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। स्टूडेंट्स आप मुझे अब बताइए यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम है क्या, नहीं है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और आगे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा सी एच और डबल बॉन्ड सी एस टू। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रियल हाइब्रिड कैसे होगा, इसका रियल हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच टू। और ये डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है किस तरह से डिस्पर्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से डिस्पर्स हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माइनर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और माइनर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में है। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रियल हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा इसका, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और ये भी इस तरह से, ये आपका रियल हाइब्रिड है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर। स्टूडेंट साथ साथ आप भी अपना माइंड लगाइए कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही हैं। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इधर इस तरह से फिर ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर यहाँ आ जाएगा। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इसका रियल हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा,
इस तरह से। और जहाँ पे पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज पहुँच सकता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को भी शो करना है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस तरह से। स्टूडेंट्स इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा ये आपके लिए। कुछ स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से कंजुगेशन सिस्टम में है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरह से आ गया। फिर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर से किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम इधर से भी कर सकते थे बट हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। बट इस तरह की क्लोज्ड स्ट्रक्चर आपके सामने आती है और कंजुगेशन सिस्टम इक्वल है तो क्या होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें कितने हैं, 3 इक्विवेलेंट रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। तो उसका रियल हाइब्रिड कैसे होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से डबल बॉन्ड डिस्पर्स हो जाएगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कैटायन बोलते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्पेशली हायर इनकी स्टेबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे इसके बारे में 3 आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, ये कुछ स्ट्रक्चर है ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इस तरह से बॉन्डिंग है, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है। तो आप मुझे बताएंगे ये किस तरह का कंजुगेशन है, ये किस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी और इसमें पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताएंगे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्टेबिलिटी क्या है और किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इसका टाइप है। स्टूडेंट्स एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें कैसे पता करना है और किस तरह से उसको ईजिली एग्ज़ाम में उसको सोल्व करके आना है। एग्ज़ाम में आपको किस तरह से पता करना है कि इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उसको किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक बेंजील रिंग के साथ एक ग्रुप ऐड है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें आपको बताना है कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और कहाँ पे पॉसिबल कंजुगेशन सिस्टम है। सबसे पहले इधर से देखते हैं, यहाँ पे पाई सिग्मा प्लस क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम होगा तो यहाँ पे तो कंजुगेशन सिस्टम है ही, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी। इधर चलते हैं,
इधर सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा, इधर कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं होगा, मतलब इधर की पूरी चैन क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में नहीं है। चले नीचे चलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, चले नीचे चलते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, इधर यहाँ पे पॉसिबल है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉसिबल है, इधर आ जाएगा तो यहाँ से देखते हैं पाई सिग्मा प्लस, तो यहाँ भी है, इधर आ जाएगा तो पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी है, इधर आ जाएगा तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो कितनी पॉजिटिव, तो कितनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो ये था अपना फर्स्ट आंसर, जहाँ पे बैक एंड पी ऑर्बिटल था। नेक्स्ट अपना वैन डबल बोन कॉन्जुगेशन विद फुली फिल्ड पी। अब फुली फिल्ड पी होते कहाँ कहाँ पे, कार्बन आयंस में और नाइट्रोजन में, जिस पे लोन पेयर होता है। इसको स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।